हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह डेली मैथ रिवीजन की वीडियो का पार्ट 5 और इससे पहले 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप RPF का एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी का, ALP का, जो आपका CBT 2 एग्जाम होने वाला है, UP का, हरियाणा का, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सारी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के साथ यात्रा करने में और वापस बिंदु सी तक, जो ए और बी के बीच में है, तक आने में कुल 26 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बिंदु ए ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यह आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ये अच्छे लेवल का बन चुका है, इसको करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे बोला गया, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा की साथ यात्रा करने और बिंदु वापिस सी, जो कि ए और बी के बीच में है, तक आने में 26 घंटे लेते हैं, यहाँ तक रुक जाते हैं। तो बिंदु ए और बिंदु बी ये हो गए मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक नाव जो बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करने में और वापिस आने में, जो कि बिंदु सी तक, वापिस आने में जो बिंदु सी है ना, ये ए और बी के बीच में है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक नाव चली ए से बी तक गई, फिर वो वापिस आई, ए और बी के बीच में रुक गई, यानी कि बिंदु सी जो है वो ए और बी के बीच में है ना। और इसको पूरे इसमें कितना समय लगा है, 26 घंटे का समय लगा है इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। अब ये बताइए, जब ये नाव इधर को गई होगी तो डाउन स्ट्रीम रही होगी, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जब धारा जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में नाव चलेगी तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। जब ये वापस आई होगी, जब ये वापस आ रही होगी तो धारा की डायरेक्शन तो यही है, तो ये वापस आएगी तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे चाल अलग अलग हो जाएगी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। यहाँ पे चाल आपको दी गई है, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि जो करंट की स्पीड है, करंट की स्पीड को हम वाई बोलते हैं, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि बोट की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और यहीं पे रुक जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम में तो आपकी जो धारा की चाल है और बोट की चाल है, उन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या बन जाती है, डाउन स्ट्रीम बन जाती है। तो ये डाउन स्ट्रीम की चाल, तो बोट की स्ट्रीम, बोट की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना हो गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अप स्ट्रीम की अगर बात की जाए, तो मैंने बताया कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो अप स्ट्रीम आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, पूरी डिस्टेंस को मान लेते हैं 2D, और ये आधी डिस्टेंस कितनी रही होगी, तो D रह जाएगी भाई। पूरी की पूरी डिस्टेंस तो A से B तक 2D है, तो आधी डिस्टेंस D रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाल हमें पता चल गई है, तो 2D को तो हम 14 से डिवाइड कर देंगे और D को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि D की जो चाल है यहाँ से यहाँ तक की, सिर्फ ये इतनी ही कवर कर रहा है, ठीक है। वापिस आने में पूरा कंप्लीट नहीं आती है नाव, ये आधे में ही आती है। तो यहाँ पे 2D को 14 से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, और कितना घंटा लगता है, 26 घंटे। बस आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 42, तो यहाँ पे 6D और यहाँ पे 7D हो जाएगा, और ये 26 है, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 और 7 आपका हो जाएगा 13D, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हम 42 × 26 करके नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कट जाती हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 42 × 26 / 13, तो 13 से 26 जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे D की जो आपका आ जाएगा ये 84 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 84। देखिए, D आया है, तो इसका मतलब पूरी डिस्टेंस अगर पूछी है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस आपकी 2D है, तो 168 मीटर है शायद, है ना, मीटर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देन रखा है मीटर है क्या किलोमीटर है, किलोमीटर होगी शायद, ठीक है। तो 168 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मिक्सर एलिगेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 27.80 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 32.40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए वाली वैल्यू बी वाली वैल्यू को रखना है, ठीक है, और जो थर्ड वैल्यू है जिसमें आपको बेचना है, जो एवरेज मीन वैल्यू होती है, उसको यहाँ पे बीच में रखना है। ये इससे एक से आपकी बड़ी होनी चाहिए, एक से छोटी होनी चाहिए, बस इतना ख्याल रखना है। तो मिक्सर एलिगेशन से आप निकाल सकते हैं कि किस रेशो में दोनों को मिलाया जाए कि यहाँ पे जो आपका सेल करने पर 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच लिया जाए। तो इसको इसमें से माइनस करिए तो 2.20 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2.40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये आपका जीरो से जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे 24 बचेगा, यहाँ पे 22 बचेगा, इसको 2 से कट करेंगे 12 टाइम और इसको कट करेंगे 11 टाइम, तो ये आपका 12:11 राइट आंसर हो जाएगा। अगर 12 और 11 के रेशियो में मिलाया जाए इन दोनों के दोनों चावलों को, तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और होता है और उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, बट आपको नहीं करनी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाए कि मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। अब जो 23 रुपये प्रति किलोग्राम में 15% का लाभ इंक्लूड है ना, सबसे पहले तो ये लाभ आपको माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि जो ये 23 रुपये ये आपकी 100% की वैल्यू नहीं है, इसमें 15% का लाभ इंक्लूड है, तो ये 115% की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसको हम 100% की बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 23 को 115 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 20 रुपये। तो 1 किलोग्राम मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो आपका महंगे वाले चावल है जिसको मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया और दूसरे वाले को वाई मान लिया, यहाँ पे क्या है 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम, और यहाँ पे क्या है 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल है, दोनों के दोनों को मिलाया जाए, तो यहाँ पे 20 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचें, तो यहाँ पे कितने किस रेशो में मिलाए जाएंगे, ये पूछा ना कि चावल किस रेशो में मिलाए जाए, तो रेशो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 4.20 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 1.50 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, जीरो से जीरो कट कर दीजिए, तो कितना आ गया 15 और 42, तो 15 और 42 को आप 3 से कट करेंगे तो 5:14 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। अगर रेशो तक ही क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रेशो में मिलाया जाए, तो ये आपका आंसर हो चुका है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दो क्वांटिटी के चावल प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाते हैं, मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे महंगे वाले चावल का जो कितने हैं या सस्ते वाले चावल कितने हैं। तो अगर महंगे वाले चावल पूछे जाते हैं तो महंगे वाले चावलों का रेशो ये है, और सस्ते वाले पूछे जाते हैं तो सस्ते वाले चावलों का रेशो ये है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 5 और 4 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक मैंने गलती पढ़ने में कर दी, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, दोबारा से पढ़ लेते हैं। 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल कितने चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों में चावल 70 किलोग्राम चावलों में मिलाए जाए। तो ये जो आपके ये चावल है ना, इसमें मिलाने की बात की जा रही है, तो ये आपके जो 70 वाले चावल हैं, तो इनका आप ये सस्ते वाले चावल हैं, तो ये इसका जो रेशो है ये कितना आया है आपका 14 रेशो आया है। तो यहाँ पे जो 14 रेशो है ये 70 के इक्वल है, यानी कि 14 रेशो इक्वल टू आपका 70 है। पूछा गया है कि महंगे वाले चावलों का जो चावल कितने हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 70 को 14 से तो डिवाइड कर देना है, ठीक है। और पूछा महंगे वाले चावल, तो महंगे वाले चावलों का आपका 5 रेशो है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 25 किलोग्राम आपका आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये 70 किलोग्राम टोटल चावल है, तो टोटल चावल नहीं है ये, सस्ते वाले जो है ना, एक तो प्राइस ये हो गया, एक ये वाला हो गया। तो जो 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल है वो 70 किलोग्राम है। तो यहाँ पे पूछा है कि महंगे वाले चावल कितने हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आप रेशो तक ही सीमित रह सकते हैं, बस रेशो तक ही पूछ लिया जाए, या फिर यहाँ पे जैसे महंगे वाले चावल दे दिए जाए सस्ते वाले पूछ लिए जाए, या फिर सस्ते वाले दे दिए जाए महंगे वाले पूछ लिए जाए, दोनों का डिफरेंस पूछ लिए जाए। बात वही है, क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाना चाहिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है आपका, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। राजेश को आपने बीच में रख लिया, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो राजेश यानी कि अनिल से छोटा है, तो अनिल ऊपर आ जाएगा और प्रशांत नीचे आ जाएगा। अभी ये नहीं पता कितना छोटा कितना बड़ा, बट इतना आप कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन किससे बड़ा है। तो राजेश से अनिल बड़ा है और राजेश से प्रशांत छोटा है,
यहाँ पे बोला जा रहा है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है। तो देखिए इनकी आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, राजेश में से अगर मैं आपका सॉरी हाँ अनिल में से अगर राजेश की एज माइनस कर दूँ तो ये किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे राजेश की प्रशांत की अगर एज माइनस कर दूँ। देखिए आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे बड़ा है इससे छोटा है, और उतना ही बड़ा है अनिल जितना कि ये प्रशांत इससे छोटा है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अनिल में से अगर मैं राजेश की एज माइनस करूं तो वो उसके इक्वल आएगी जो राजेश की एज में से मैं प्रशांत की एज माइनस करूं, तो ये उसके इक्वल आएगी। तो हमने कुछ इस तरीके से एक छोटी सी इक्वेशन बनाई, और उसको हम आर आर को अगर एक साइड में ले आएँ, और ये ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, तो 2R की हमें वैल्यू पता है, 2R की हमें वैल्यू पता है। तो यहाँ पे क्योंकि अनिल और प्रशांत की 48 है, तो हम यहाँ पे AP की वैल्यू हमें पता है अनिल और प्रशांत की, तो हम यहाँ पे 48 लिख सकते हैं। 2R बराबर 48 हो जाएगा, तो R राजेश की एज आपकी निकल के आ जाएगी 24 ईयर, 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है अनिल राजेश से उतना ही बड़ा, सॉरी राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो यहाँ पे अनिल इससे बड़ा है, ये इससे छोटा, इन दोनों की एज का सम हमें पता है 48 ईयर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अनिल माइनस राजेश बराबर किसके होगा, राजेश माइनस प्रशांत के। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है अगर मैं आर आर को एक साइड में ले आता हूँ तो 2R बराबर क्या हो जाएगा, ए पी। ए पी के यानी कि अनिल और प्रशांत की एज मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं 48 बराबर 2R लिख सकता हूँ। तो 2R बराबर 48 है, तो आपका R की एज कितना आ जाएगी, 24, और R का मतलब है राजेश, तो यहाँ पे राजेश की एज आपकी आ गई 24, यही आपसे पूछा गया था। तो ऐसा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुनी थी 10 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फादर और सन 10 वर्ष पहले की 3:1 का रेशो। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुनी हो गई। तो 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष पहले की आयु 10 वर्ष बाद की आयु का रेशो 2:1 है। ठीक है, आयु से दुगनी हो गई, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यह आपको बताना है वर्तमान आयु में अनुपात कितना है। तो यहाँ पे मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस सेम नहीं है तो सबसे पहले सेम करिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को करिए। इस टाइप के मैं कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत से बच्चों ने बोला कि वो मेथड आपको सही नहीं लगा, तो मैं आपको उसी मेथड से करा देता हूँ जो पहले एक बार मैंने कराया था। यहाँ पे देखिए अगर इनकी एज 3x और यहाँ पे x मैं लिख देता हूँ, यानी कि 1 है तो x ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 3x और 1x इनकी एज है फादर और सन की, कितने 10 साल पहले। तो इनकी 10 साल बाद का जो रेशो दे रखा है उसके इक्वल बनाने के लिए इस रेशो को, तो मैं इसमें 20-20 प्लस करूँगा, क्योंकि ये 10 साल पहले की एज है और ये 10 साल बाद की है, और यहाँ पे इन इस रेशो के इक्वल बनाने के लिए इस वाली एज को, तो यहाँ पे 20 प्लस करने पड़ेंगे। तो 20-20 प्लस करेंगे तो 2:1 के रेशो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन सोल्व करनी है। अगर ये आप ये सीख गए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू आ जाती है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3x प्लस 20, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2x बराबर प्लस 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे 20 आ जाएगी। 3x माइनस 2x करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। तो फादर और सन की एज कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की 20 में करेंगे तो 20 आ जाएगी, तो 60 और 20 आ गई 10 वर्ष पहले की एज। पूछा क्या गया है, प्रजेंट की वर्तमान की एज का रेशो पूछा गया है, तो ये 10 साल पहले की एज है भाई, ये जो एज है 60 और 20 या 10 साल पहले की एज है, तो इसको वर्तमान एज बनाने के लिए 10 10 प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितने जोगे 70, वे कितने जोगे 30, जीरो में से जीरो हटा दीजिए, यहाँ पे 7:3 का वर्तमान का रेशो आ गया। कई बार एज भी पूछी जाती है, कई बार रेशो पूछ लिया जाता है, तो रेशो अगर पूछा जाता है तो 7:3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये, यानी कि 7 वर्ष और 10 वर्ष का जो अंतर है साधारण ब्याज का वो कितना है 3 ईयर का, और जो ब्याज का अंतर है वो कितना 150 का। तो ईयर में अगर 3 वर्ष का अंतर है और ब्याज आपका 150 है, तो इसका मतलब 3 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो 150 हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ईयर मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ईयर रेट मिल गया। ठीक है, 5%,
आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल, तो आप निकाल सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 करके, एसआई का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। तो बस ये कई बार ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अटक जाता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो बहुत आसान सी चीज़ है वैसे तो, ये तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन अटक जाते हैं। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो यहाँ पे क्या करना है 150 पी मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको P वैसे रखना है क्योंकि ये कैलकुलेट करना है, R कितना है आपका 5%, तो इसको यहाँ पे रखना है, टाइम कितना है 3 ईयर का ये रखना है, और ये आपको 100 से डिवाइड कर देना है। तो इसको देखिए 5 से 20 टाइम जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 150 × 20, तो 3000, और ये 3P हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा 1000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आपका मूलधन याद कीजिए, तो ये आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और ही बिल्कुल इसी टाइप का है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज का और 5 वर्ष के ब्याज का 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि तीन और 5 वर्ष का जो अंतर है वो 400 रुपये है, तो ये कितना अंतर है ईयर में, 2 ईयर का, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट आपका 400 आ जाएगा। फिर बिल्कुल वैसे ही रख दीजिए, 400 बराबर पी आपका वैसे रखना है, और यहाँ पे रेट आपका कितना है 4% का, तो 4 रख दीजिए, ईयर कितना है 2 है, और डिवाइड कर दीजिए 100 से। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो 25 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और वैसे भी ये रिवीजन चल रहा है, तो ये क्वेश्चंस इस टाइप के मैं सारे करा चुका हूँ, आपको बिल्कुल कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10000 बराबर कितना हो जाएगा 2P, तो कितना P बराबर कितना हो जाएगा 5000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि धन ज्ञात कीजिए यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी टाइप का, यहाँ पे अब की बार कुछ और निकालने के लिए दे दिया गया है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में 575 हो रहा है साधारण ब्याज में, और 5 वर्ष में 625 हो रहा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625, तो ईयर का डिफरेंस 2 है, और जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है 25 है। भाई आप सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक साल में जो लगेगा वही आपका दूसरे ईयर में भी, तीसरे ईयर में भी, चौथे ईयर में भी वही आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे 2 साल का अगर 25 है, तो इसका मतलब 12.5-12.5 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर, सॉरी यहाँ पे 50 है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपका 50 आएगा। भाई ये गलती से लिखा गया 25, ठीक है, क्योंकि मैंने वो उसी हिसाब से लिख दिया, ये हाफ कर दिया था, 2 ईयर का है ना, तो 1 ईयर का 25 हो जाएगा, तो 1 ईयर का मैंने डायरेक्ट वहाँ पे 25 लिख दिया था, 1 ईयर का आपका ये 2 ईयर का 50 था, 1 ईयर का 25 हो जाएगा, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा, क्योंकि शुरू के मैं 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा ना, 3 साल में 575 हो जा रही है अमाउंट आपकी, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना बना 75, और इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 500, जब 575 में से 75 माइनस कर दूंगा तो आपका जो मूलधन है वो बचेगा ना, तो मूलधन आपका 500 है। अब पूछा क्या गया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है 75 तो इंटरेस्ट है, 500 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आर आपको निकालना है, ईयर कितना है 3 ईयर है, और डिवाइड कर देंगे 100 से, 3 ईयर इसलिए, देखिए यहाँ पे 575, ये जो 575 है 3 ही साल में हुए थे, तो आपका ये 3 साल का इंटरेस्ट है 75 रुपये, तो इसको हम 0 से 0 कट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 × 15 या 75, 15 से 75 को कट करेंगे 5% आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, तो R बराबर 5% हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो को, यहाँ पे दिया गया है 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रम 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर देते हैं, यदि दोनों पाइप बारी बारी के 1 मिनट के कार्य के साथ पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बारी बारी वाला जो अल्टरनेटिव डेज वाला वो होता है ना क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क में भी, पाइप एंड सिस्टम में भी, दोनों में पूछ लिया जाता है और सभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ SSC में आएगा, या फिर आपका ये रेलवे में आएगा, या फिर आपका ये SSC GD में ही आएगा, या फिर आपका UP पुलिस में आएगा, किसी भी एग्जाम में आ जाता है और आता जरूर है। ठीक है, थोड़ा लेवल आपका ऊपर नीचे हो जाता है, बट पूछा जरूर जाता है। तो यहाँ पे आपका ए आपका 6 मिनट में भर देता है, बी आपका 7 मिनट में भर देता है पाइप किसी टंकी को, तो इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 42 ये टोटल कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की। यहाँ पे 42 को मैंने 6 से डिवाइड करूँगा, तो ए आपका 7 मिनट में भर देता है, 42 को 7 से डिवाइड करूँगा तो बी 6 मिनट में, सॉरी 6 यूनिट 1 मिनट में भरता है। ये जो ये आ रहा है ना इस साइड में, ये यूनिट आ रही है पर मिनट की,
ये 6 मिनट में पूरा टैंक को भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा? 7 यूनिट पानी। तो 1 डे वर्क कितना होगा? 13 यूनिट। बट एक दिन में तो नहीं कराया जा रहा है ना, एक 2 दिन में वर्क कराया जा रहा है। पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यानी कि 7 और 6 कितने हो गए? 13। 13 यूनिट 2 दिन का वर्क है, तो आपका 13 का एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो 42 से कम रहे। तो 13 3 जा कितना होता है? 39। तो ये 42 से कम है, रिमेनिंग कितना बचा आपका? 3 यूनिट वर्क। तो 3 यूनिट वर्क को तो हम कराएंगे बाद में, बट यहाँ पे 13 × 3 करा हमने, ये 39 आ गया। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए 13 की जो 3 में मल्टीप्लाई की है, इस 3 में 2 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये 13 यूनिट जो वर्क है ना, 2 डे का है ये, मतलब 1 डे का नहीं है। अगर 1 डे का होता तो आपका ये 3 दिन में वर्क कंप्लीट होता। अगर ये 2 डे का वर्क है 13 यूनिट, तो यहाँ पे इसमें 3 में आपकी 2 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 6 डेज तो सॉरी 6 मिनट तो आपका पूरा आ ही गया है। अब बचे हुए कार्य को कौन करेगा? जिसने वर्क स्टार्ट किया था, तो ये 7 ए जो है 7 यूनिट वर्क करता है एक दिन में, तो 3 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेगा? तो 6 + 3/7, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 complete 3/7 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में था इतना ही। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको बहुत सारी PDFs मिल जाती है, डेली आपका न्यूज़पेपर मिल जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम आपको चैनल सर्च करना है और वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है और PDF डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक शेयर कर रहे होंगे, वैसे तो बहुत ही कम लाइक और बहुत ही कम व्यू और बहुत ही कम शेयर आ रहे हैं, बट फिर भी जितने भी आ रहे हैं, आप सपोर्टर जो हैं, रियल जो सपोर्ट करते हैं, थोड़ा जो स्ट्रगल टाइम होता है, आप सब जानते हैं वैसे मुझे कि मैं कितना मेहनत कर लेता हूँ आपके लिए। बट अभी थोड़ा सा टाइम जो चल रहा है, वो मतलब वो वाला टाइम नहीं चल रहा है जिस टाइम पे मैं मेहनत कर लेता था, 3-3, 4-4 वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करा देता था। बट अभी 1-2 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप ये देखिए, जो प्रीवियस वीडियो है उनको देखिए और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है टॉपिक स्टडी पे, जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ दिन रात। ठीक है, बस आपको समझने वाले समझ जाते हैं, बाकी जिनको समझ नहीं आता है उनको कितना भी बता दो वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।